गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द लॉ ऑफ एडिशंस, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, कल हमने वेक्टर के बारे में आपको बताया था, आज हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारा आता है सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, और सेकंड जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारा आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और हमारा थर्ड में आता है पॉलीगन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। आज हम ये तीनों लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, आप दो वेक्टर लेते हैं ए वेक्टर, इफ यू हैव गिवन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, का मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। आपने दो वेक्टर लेने ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, and taken two order side of a parallelogram, two order side of a triangle। ये triangle की दो side है, okay? और इनकी जो closing side है, ये closing side, जो closing side है, ये resultant को represent करेगी, resultant of two given vector, a vector plus b vector। triangle of addition में what is given when two vectors a vector and b vector they are represented by magnitude as well as direction, this is the magnitude directions, ye b vector ka magnitude directions, and taken to order side of a triangle, okay, to order side of a triangle, jo inka resultant hai, resultant ka matlab closing side, resultant ka matlab closing side of the triangle, closing side ka matlab jahan do tail mile, yahan a vector ki tail hai और यहां आपके पास जैसे कि ओ ए, ओपी जो वेक्टर है दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर, और पी क्यू वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है, और ओ क्यू वेक्टर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ओके, रिजल्ट्स मैंने पहले लिख दिया है। तो इसमें कहता है अपोजिट जो आपके पास है ट्रायंगल ऑफ एडिशन में, जो क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेंगी, क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। ओके, और दैट इज इक्वल टू, जो ये क्लोजिंग साइड होगा, क्लोजिंग साइड या अपोजिट साइड, सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड मींस ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर्स, तो ओक्यू वेक्टर दैट इज इक्वल टू ओपी, क्या ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर पीक्यू, पीक्यू जो वेक्टर है वो आपके पास क्या बनेगा, पीक्यू वेक्टर दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर, और ओक्यू वेक्टर जो रिजल्टेंट को आपने आर से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ओक्यू वेक्टर दैट इज इक्वल टू व, now here you can write oq vector that is equal to, oq vector that is equal to op vector plus pq vector, oq vector ho gaya r vector resultant of given two vector, ye aapke paas ho gaya a vector that is equal to b vector, ye aapke paas hai triangle of vector additions। kya hai triangle of vector addition mein statement, fir dhyan se sun lijiye, when two vectors a vector and b vector they are represented by magnitude as well as directions, this is the magnitude, arrow represent directions, magnitude direction, taken to order side of a triangle, order side of a triangle ले लिया, the closing side, if a vector b vector की जो closing side है oq vector है, the closing side of the triangle that represent, ये जो closing side है किसको represent करेगी, closing side जो है वो resultant, किसका resultant, a vector and b vector का। अब क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड,
और क्लोजिंग साइड का एक पॉइंट नोटेड, क्लोजिंग साइड वहां होती है जहां किन्हीं भी दो टेल दो हेड। अब जैसे OQ वेक्टर की यहाँ टेल है, यहाँ हेड से हेड है, टेल से टेल। आप कहते सर हम तो इसको लेंगे, हम इसको नहीं ले सकते अपोजिट साइड, कि अपोजिट साइड का मतलब जहां दो टेल दो हेड आपस में कोइंसाइड करे, पॉइंट सेम वेक्टर की नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टू वेक्टर की टेल से टेल और हेड से हेड कोइंसाइड करे, वो आपकी अपोजिट साइड होती है। और अपोजिट साइड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू साइड। ये हमारा आपको बताना है कि हाउ टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर। देखिए इनका जो मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट है ट्रायंगल और पैरेलल का सेम होता है, ठीक है। बट ट्रायंगल ऑफ हाइड्रेडिशन में ओनली यू हैव टू लर्न कि अपोजिट साइड दैट इज सम ऑफ टू साइड। यदि दो वेक्टर की अपोजिट साइड का मींस, यदि आपके पास दो वेक्टर है, उन दो वेक्टर को ऐसे लिखिए ट्रायंगल की फॉर्म में, उनकी जो क्लोजिंग साइड, दोनों वेक्टर की जो क्लोजिंग साइड होगी, वो क्लोजिंग साइड टेल से टेल और हेड से हेड यदि कंसाइड हो रहा है, देन यू कैन से द क्लोजिंग साइड या अपोजिट साइड। यहाँ टेल से टेल है या OP है, ए वेक्टर की टेल है, ओके। यहाँ पे OQ वेक्टर की टेल है, या जो रिजल्टेंट है ये आर, ये टेल, टेल से टेल और यहाँ हेड से हेड, तो ये आपके पास अपोजिट साइड है, दैट इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो आप इसमें अच्छे से पढ़ेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस। उसके बाद हमारे पास आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस सेम है व्हेन टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर होते हैं, व्हेन टू वेक्टर, वन इज ए वेक्टर, मान लीजिए ओ है ये पी है, और दिस वन इज हमने मान लिया ये आपके पास है बी वेक्टर, ये आपके पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दे आर रिप्रेजेंटेड बाई मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दिस वन इज मैग्नीट्यूड और ये आपके डायरेक्शन है, और इनके बीच में एंगल थीटा मान लिया, इट्स ओके। और ये सेम पॉइंट पे है, कॉमन पॉइंट पे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हम आपके अब इसके पैरल में एक और साइड हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। वी कैन ड्रॉ ए पैरेललोग्राम इफ दिस इज, यदि ये साइड ये वेक्टर बी वेक्टर है तो ये भी आपके पास, दिस वन इज बी तो दिस वन इज बी, ये भी आपके पास बी वेक्टर है, इसको कंस्ट्रक्शन कर लीजिए इफ देयर इज एंगल थीटा और इस एंगल को भी थीटा, ओके। ये आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, और यहां से आप देख लीजिए ये आपके पास जो है ये एक पैरेललोग्राम बन गया। वी कैन ड्रॉ ए पैरेललोग्राम, वी कैन ड्रॉ ए पैरेललोग्राम कैसे, OP QR आपके पास एक पैरेललोग्राम है, वी कैन ड्रॉ ए पैरेललोग्राम, ओके। यहाँ पे OA वेक्टर A वेक्टर के बराबर है, आपके पास OR वेक्टर आपके पास B वेक्टर के बराबर है, और यू कैन से OA वेक्टर दैट इज आल्सो इक्वल टू OA वेक्टर दैट इज आल्सो इक्वल टू RQ वेक्टर दैट इज आल्सो इक्वल टू RQ वेक्टर, क्योंकि OA वेक्टर OP वेक्टर दैट इज इक्वल टू A वेक्टर, ये आपके पास OP वेक्टर है, इसको A वेक्टर ले लिया, और OP किसके पैरेलल है, OP इज इक्वल टू RQ वेक्टर। तो आप ये कह सकते हैं कि OP वेक्टर इज इक्वल टू RQ वेक्टर दैट इज इक्वल टू A वेक्टर पैरेललोग्राम में, ओके। आमने सामने ये साइड्स क्या होती है, आमने सामने वाली जो भी साइड है इक्वल होती है, तो OP वेक्टर दैट इज इक्वल टू RQ वेक्टर दैट इज A वेक्टर, OR वेक्टर दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू PQ वेक्टर और दैट इज इक्वल टू B वेक्टर, इट्स ओके। ये पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ कर ली, और इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ओके। अब यहां पे ये आपका जो है ये आपके पास रिजल्टेंट, ये जो डायगोनल है ये डायगोनल OQ वेक्टर, ये है डायगोनल, किसका डायगोनल है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है OQ, ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट बताएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ओके। तो इसमें
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे हम जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन्हें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वी हैव टेकन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर, दिस वन इज द ए वेक्टर, आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस वन इज द बी वेक्टर, देर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर, दे आर वन represented by magnitude as well as direction and taken to adjacent side of a parallelogram. यह two adjacent side है parallelogram की। अब parallelogram आपने draw कर दिया। If this side is OB, if this side is OR, OR vector that is equal to PQ vector, OR PQ vector that is equal to B vector, OP vector that is equal to OP जो side है किसके equal होगी? R से Q vector और दैट इज इक्वल टू व्हाट ए वेक्टर्स, और ये आपका डायगोनल है OQ, रिप्रेजेंट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, दैट रिप्रेजेंट्स जो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, दैट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर, जो गिवन वेक्टर का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इट्स ओके। अब इसमें आपने रिजल्टेंट तो आ गया, ओके दो वेक्टर रिजल्टेंट क्या, अब ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, यहाँ टेल से टेल मिल रही है डायगोनल में, टेल से टेल और हेड से हेड, और रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर इक्विवेलेंट होता है, रिजल्टेंट ऑफ गिवन टू वेक्टर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू, ओके। अब यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वी कैन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओके। और यहां से हमने माना कि रिजल्टेंट जो है ये इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है, रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर मेक्स एंगल विद द ए वेक्टर, तो इन दिस इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, आप ध्यान से सुनिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, पी एल क्यू, ये आपके पास पी है, पी एल क्यू राइट एंगल में दैट इज व्हाट क्यू एल, क्यू एल बाई पी क्यू, टू पी एल बाई पी क्यू दैट इज इक्वल टू व्हाट, that is equal to sine of theta, QL is equal to PQ sine theta, अब यहाँ PQ magnitude form में है, PQ magnitude form में, यदि PQ vector form में तो ये है, और magnitude लेंगे, तो that means what, PQ ये, if we can write vector form, we have to write B vector, और PQ vector का magnitude form में, that is equal to B, तो that is equal to B sine theta, in magnitude form में हम ले रहे हैं ये, Not in vector form. Similarly, in a right angle triangle, कौन सी? In a right, similarly, in a right angle triangle, कौन सी right angle triangle? ये देखिए, वही same. कौन सी? Right angle triangle PLQ. अब this side PL, PL, PL by PQ. That is equal to cos of theta. PL is equal to PQ cos theta. Now PQ. PQ that is equal to what? PQ same B, तो that is equal to B cos of theta, that is PL. आपने QL और PL की value find out कर ली। अब यहाँ पे right angle triangle, अब देखिए ध्यान से, in a right angle triangle में क्या बनेंगे? Right angle triangle में, in a right angle triangle which, right angle triangle O एल क्यू, ये आपके पास ओ एल क्यू ए राइट एंगल ट्रेंगल है, अप्लाइंग पाइथागोरस, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी ओ क्यू वेक्टर दैट इज इक्वल टू ओ एल वेक्टर दैट इज क्यू एल वेक्टर, इट्स ओके। ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू का स्केयर, स्केयर ऑफ ओ क्यू साइड का स्केयर, ओ एल, ओ एल को वी कैन राइट, ओ एल को वी कैन राइट ओ पी प्लस PL का होल स्क्वायर प्लस QL होल स्क्वायर, OQ, 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 you are seeing that OQ is equal to what? OQ is equal to OQ, now here OQ vector that is equal to R vector है, और magnitude form में लिखेंगे तो OQ vector का magnitude that is equal to R vector का magnitude, OQ vector is equal to R, so now here we can write R square OP, OP,
ओपी वेक्टर तो ए वेक्टर है बट ओपी है मैग्नीट्यूड वैल्यू है, तो आप यू कैन राइट ए प्लस पी एल, पी एल आपके पास क्या है बी कोस थीटा, ये आपके पास है बी कोस थीटा, इट्स ओके, पूरे का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज क्यू एल, क्यू एल आपके पास गिवन है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नाउ वी कैन राइट आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके बेटा ये आप जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू वन, और आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां पे बन गया टू ए बी कोस ऑफ थीटा, अब रिजल्टेंट आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रैक्शन सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, और आप होपिंग दैट आप इसको अच्छे से नोट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत हो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। अब नाउ इसमें हमने जो ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है, आर हियर रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है, अब जहां रिजल्टेंट होगा वेक्टर है डायरेक्शंस निकालेंगे, इफ आर वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है आर मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए, तो यहां डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट रिजल्टेंट ठीक है ना, आर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर हाउ वी कैन डिटरमाइन, और डायरेक्शंस लेते हैं डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंट थीटा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शंस, तो टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट क्यूएल अपॉन क्यूएल अपॉन ये ओएल, क्यूएल अभी हमने बताया था क्यूएल किसके इक्वलेंट होता है क्यू बी साइन थीटा, ये आपके पास होगा बी साइन थीटा क्यूएल अपॉन ओएल, ओएल आपके पास वी कैन राइट ओपी प्लस पीएल दैट इज बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कोस थीटा, ये आपके पास टेंजेंट थीटा है, तो डायरेक्शंस जो एंगल है थीटा क्या बनेगा टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा, ये आपके पास डायरेक्शंस है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो टू वेक्टर ए ए वेक्टर बी वेक्टर का जो आपने रिजल्टेंट निकाला है उसकी डायरेक्शंस आर वेक्टर की डायरेक्शंस यू कैन डिटरमाइन इन दिस फॉर्मूला, ओके ये डायरेक्शंस जो भी होती है किसी वेक्टर की वो टेंजेंट थीटा से फाइंड आउट करती है कि ये किस डायरेक्शन में है, तो किसके साथ एंगल बना रहा है थीटा से, आप ये डायरेक्शन निकाल सकते हैं रिजल्टेंट की, इट्स ओके। अब नाउ हियर स्पेशल केसेस, अब स्पेशल केसेस कैसे स्पेशल, अब स्पेशल केस, स्पेशल केस में फर्स्ट आता है फर्स्ट इज व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शंस, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, कहने का मतलब आपके पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर यदि आपके पास सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, मान लीजिए ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, आई मीन से दैट वन बॉडी है उसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक 5 न्यूटन और एक आपके पास 4 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो कहते हैं उनका रिजल्टेंट क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो यहाँ पे स्पेशल कंडीशन में मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट कंडीशन इज दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट सेम सेम डायरेक्शंस, जब टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा क्या बनेगा जीरो, अब रिजल्टेंट का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस ऑफ जीरो, नाउ हियर कोस जीरो इज वन, कोस कोस जीरो वन होता है, तो दैट इज आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
और इसको वी कैन राइट ए प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी. नाउ हियर रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू. तो यू कैन से द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आर हियर रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू गिवन वेक्टर. सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ किसका सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू गिवन वेक्टर्स व्हेन दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शंस. ये आपके पास दो जो वेक्टर है उनका हमने रिजल्टेंट निकाला है जब वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करे दोनों वेक्टर्स. ओके अब आपने जैसे कि फाइंड आउट करना है कैसे फाइंड आउट करना है. जैसे कि आपसे यदि ये आ जाए ये बॉडी है इस पे कैसे न्यूमेरिकल आएगा. इस बॉडी का अपना है इसमें दो फोर्स लग रहे हैं एक 3 न्यूटन लग रहा है एक 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है. तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो आपके पास क्या होगा. अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 3 + 4 यानी कि 7 न्यूटन हो गया. कितना न्यूटन हो गया 7 न्यूटन. सेम डायरेक्शन में है तो दैट इज 7 न्यूटन. ओके नाउ सेम एज व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. दूसरा दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है. मान लीजिए ये वेक्टर इधर लग रहा है इस बॉडी पे दूसरी ये है. ए वेक्टर बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है. अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पे थीटा बनेगा 180 डिग्री. अब रिजल्टेंट व्हाट विल बी यूजिंग द जनरल फार्मूला व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पे कोस ऑफ 180. और कोस 180 क्या होता है पॉइंट टू बी नोटेड कोस 180 डिग्री माइनस 1 होता है. मैथमेटिक्स टूल में आपने मैथमेटिक्स वाले सर ने आपको बताया होगा अभी जो मैथमेटिक्स के जनरल बेसिक पढ़ाया था यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस 180 माइनस 1 दैट कैन बी रिटन एज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab और दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस बी पूरे का होल स्क्वेयर का रूट और ये होगा ए माइनस बी. ये है आपके पास रिजल्टेंट. क्या है आपके पास रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर व्हेन दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस. ये सेम डायरेक्शंस में है ये अपोजिट डायरेक्शंस के लिए. ओके जैसे मैं बताना चाहूंगा यदि आपके पास सेम बॉडी है मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और इधर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन आप तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो क्या बनेगा 5 - 3 दैट इज व्हाट ये आपके पास होगा 2 न्यूटन. क्या है 2 न्यूटन यानी बॉडी 2 न्यूटन के कारण उधर जाएगी. ओके तो ये आपको पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रेडिशन सच टाइप ऑफ जो भी न्यूमेरिकल जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वहां पे हम यूज करेंगे. अब अपने पास आता है थर्ड केस इज व्हाट व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर. जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे ये आपके पास ए वेक्टर है ये आपके पास बी वेक्टर है. अब यहाँ परपेंडिकुलर का मीन्स 90 डिग्री बना रहे हैं तो अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो क्या बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. यहाँ पे एंगल कोस 90 जीरो होता है कोस 90 जीरो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का रूट ये आपके पास आर हो गया. व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. कई बार मेनी टाइम बेटा आस्क व्हेन टू वेक्टर जैसे आपके पास ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर है ये 120 का एंगल बना रहे हैं 120 का एंगल. जैसे इसमें मैं कहना चाहूं जैसे फोर्स का एग्जांपल दूं आपके पास इधर 4 न्यूटन लग रहा है इधर आपके पास 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है किसी ये आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या बनेगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बना इस केस में रिजल्टेंट फोर्स यानी कि 3 जैसे ए का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर बी का स्क्वायर तो ये 9 + 16 अब रिजल्टेंट कितना हो गया 5 न्यूटन. यदि टू फिजिकल क्वांटिटी राइट एंगल है तो क्या बनेगा रिजल्टेंट 5 न्यूटन है पॉइंट ऑफ नोटेड और यदि सेम डायरेक्शन में है तो 7 न्यूटन. ठीक है तो यानी कि यदि किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं मान लीजिए एक 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स क्या क्या हो सकते हैं अ पॉइंट टू बी नोटेड एक तो दोनों यदि सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 7 न्यूटन हो गया और यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो डिफरेंस हो जाएगा. ये तो है सेम डायरेक्शन में
सेम डायरेक्शन में यदि बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अभी मैंने बताया था अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वन न्यूटन। तो यानी कि ये ऑब्जेक्टिव वजह है, एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक 4 न्यूटन का है एक 7 न्यूटन का है। तो रिजल्टेंट जो फोर्स है क्या क्या हो सकते हैं, यदि सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो 7 न्यूटन हो गया, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो 1 न्यूटन हो गया, और यदि वो एक दूसरे के राइट एंगल लग रहे हैं जैसे कि ऐसे लग रहे हैं तो आपके पास क्या हो गया, 5 न्यूटन। तो यानी कि 7 न्यूटन भी हो सकता है, 5 न्यूटन भी हो सकता है, और आपके पास क्या हो सकता है, 1 न्यूटन भी। तो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, 7 न्यूटन, और मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है उस बॉडी पे, 1 न्यूटन। और जैसे कि ये हो जाए ऐसे फोर्स राइट एंगल यानी 180, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 120 डिग्री। अब cos 120 ये मैथमेटिक्स में आपने बता दिया होगा -1/2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 -1/2। तो यहाँ पे क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ab। अब मैं बात करूं इस फोर्स की, जैसे वही आपके पास रिजल्टेंट फोर्स, एक आपके पास 3 न्यूटन का है, 4 न्यूटन का, तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस आपके पास होगा 4 * क्या होगा, 3। इट्स ओके, तो आप जो रिजल्टेंट क्या बना, सो 19 प्लस क्या होगा, 12। अब इसमें कितना बना, अब इस केस में देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ये आपके पास 25 माइनस 12 कितने न्यूटन आ गया, ये आपके पास 13 न्यूटन आ गया, क्या आ गया, ये 13 न्यूटन। तो यानी कि यू कैन सोल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, ये आपको मैंने डिस्कस कर दिया है, ट्रायंगल ऑफ एट्रेशन पढ़ा दिया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रेशन पढ़ा दिया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रेशन का लैब में भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रेशन का। अब आपके पास आता है लास्ट, पॉलीगन लॉ ऑफ एट्रेशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एट्रेशन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ एट्रेशन में आप क्या पढ़ेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ एट्रेशन, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, यू हैव गिवन द मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर। मान लीजिए ये आपके पास ए वेक्टर है, फिर आपके पास ये बी वेक्टर है, फिर आपके पास ये सी वेक्टर है, फिर आपके पास ये डी वेक्टर है, फिर आपके पास ये ई वेक्टर है। इफ दे आर मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। पॉलीगन लॉ ऑफ एट्रेशन में क्या स्टेटमेंट है, इफ दे आर देर आर लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स, कौन से, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर है, नंबर ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगन का मतलब कुछ भी हो सकता है, कितनी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, कोई भी यानी फिगर नंबर ऑफ साइड से बनता है वो पॉलीगन कहलाता है। अब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, देर आर मेनी ऑफ वेक्टर, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस एंड टेकन आउटर साइड ऑफ द पॉलीगन्स। अब बेटा इनकी जो क्लोजिंग साइड है, अब इसकी जो क्लोजिंग साइड है, ये जो भी क्लोजिंग साइड होगा, ठीक है, ये जो क्लोजिंग साइड होगा रिजल्टेंट बताएगा। हम मानते हैं ओ पी क्यू आर एस और ये टी। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग साइड है, अब जैसे ओपी, ओपी वेक्टर को यू कैन राइट, ओपी वेक्टर ए वेक्टर हो गया, और आपके पास पी क्यू वेक्टर जो है वो बी वेक्टर हो गया, आपके पास क्यू आर जो वेक्टर है वो सी वेक्टर हो गया, और आपके पास आर एस जो है, आर एस जो है वो आपके पास डी वेक्टर हो गया, और एस टी जो आपके पास है वो आपके पास ई वेक्टर, ये आपने मान लिया, ठीक है, और ओ टी जो वेक्टर है ये क्लोजिंग साइड, ये आपका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। ओ टी इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन्स दैट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। अब ऐसे में हम कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए, अब यहां से हम ये मानते हैं सबसे पहले ये यहाँ पे ओके ओ क्यू, अब इन्हें ट्रेंगल, अब हमने मान लिया, ध्यान से सुनना, इन्हें ट्रेंगल ओ पी क्यू, अब ओ पी क्यू आपके पास एक ट्रेंगल है। अब हम बात करें ओ पी क्यू, अब हमने सारी इसको नहीं देखना है, हमने ओपी क्यू को देखना है। इस ओपी क्यू में दिस इज द वन साइड, वेक्टर की वन साइड है, ये आपके पास ओ क्यू है, ओके, ये आपके पास पी क्यू, सॉरी ये आपके पास ओ क्यू। तो यहाँ पे जो अपोजिट साइड है, वो अपोजिट साइड दैट इज सम ऑफ टू साइड, इसमें ट्रायंगल ऑफ एट्रेशन लगा दो, अप्लाइंग ट्रायंगल ऑफ एट्रेशन, अप्लाइंग
ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आप इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे अप्लाई करेंगे? अप्लाइंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने आपको बताया था अपोजिट साइड क्लोजिंग साइड सम ऑफ टू साइड, तो यह अपोजिट साइड होती था टेल से टेल। यहां देखिए OQ वेक्टर की ये दो टेल मिल रहे हैं, ये टेल या हेड से हेड, और अपोजिट साइड सम ऑफ द टू साइड OQ वेक्टर OP वेक्टर प्लस क्या बनेगा PQ वेक्टर। अब O OP वेक्टर दैट इज इक्वल टू A वेक्टर और PQ B वेक्टर, यानी कि ये आपके पास आ गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर। OQ जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। सेम एज बेटा हम यदि ये ट्रायंगल कंसीडर कर लें, आप इसमें सुनिए, ये ट्रायंगल जब आप कंसीडर करेंगे तो क्या बनेगा इन्हें ट्रायंगल। अब कौन सी ट्रायंगल है OQR, OQR अगेन अप्लाइंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब OQR में देखिए अब OQR में हम करें, अब ये तो हम निकाल चुके हैं, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सी कहलाएगी, आप अपोजिट साइड सुनिए। अब ये यहाँ पे ये टेल है ये हेड है, यहाँ टेल और हेड है, यहाँ ओ जो आपके पास ओ आर है, यहाँ टेल से टेल और हेड से हेड, तो यहाँ पे ओ आर जो वेक्टर है दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा ओ आर वेक्टर, इसको आप लिखेंगे ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर किसके इक्वलेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और क्यू आर वेक्टर किसके है सी वेक्टर। कहने का मतलब ये हुआ आपने ये साइड निकाल दी, ये साइड आपके पास आ गई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फिर आप सिमिलरली ये साइड ले लेंगे, तो ये साइड ले लेंगे तो क्या बनेगा, अब आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे कौन सी बनेगी, आप इसमें लेंगे तो सिमिलरली इन्हें ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ओ आर एस, ट्रायंगल ओ आर एस, ओ आर एस, ओ आर एस में अपोजिट साइड कौन सी बनी ओ एस वेक्टर सम ऑफ टू साइड ओ आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर। ओके ये क्या बना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और यहाँ पे ये साइड क्या बनगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ओके और फाइनली आपका जो रिजल्टेंट बनेगा इन्हें ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बनगी मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए ध्यान से इन्हें ट्रायंगल ओ एस टी, ओ एस टी ट्रायंगल में क्या लिखेंगे ओ टी जो फाइनल क्लोजिंग साइड है ओ टी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ओ एस वेक्टर प्लस एस टी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करो क्योंकि स्मॉल लेटर में ले रहे हैं सारे, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, और ओ टी वेक्टर क्या हुआ आर रिजल्टेंट वेक्टर। यदि बहुत सारे वेक्टर लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर यदि ऐसे एक्टिंग करो किसी पॉलीगन की फॉर्म में, ये आपके पास होगा पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट्स टुडे आई डिस्कस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी आपके नोट्स अपलोड भी कर दिए आपके पास और आपकी वीडियो आने वाली है, और आप सबसे पहले अपने नोट्स को देखेंगे फिर अपनी वीडियो को वॉच करेंगे अच्छे से कि किस पॉइंट को क्या बोला जा रहा है कैसे है, दोनों के साथ कॉम्बिनेशन के साथ आपने फिर नोट्स अच्छे से नोट्स बनाइए, वीडियो देखिए, बनाने के बाद देखने के बाद नोटबुक बंद करके रफ नोटबुक में तीनों आर्टिकल लिख कर देखिए कि फिर अपने आप उसका चेकिंग कीजिए कि कौन सा पॉइंट हमने छोड़ा है लिखा है, और यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप यानी कि कहने का मतलब आज की आपकी पढ़ाई होगी। एंड टुमारो वी विल डिस्कस द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, टुडे वी हैव डिस्कस द एडिशन ऑफ फैक्टर, टुमारो वी विल डिस्कस द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। वैक्टर बहुत बड़ा है ठीक है, टर्म बाई टर्म वी विल डिस्कस एवरी पॉइंट, देन आफ्टर वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव each and every type. Okay, thanks.